नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही आसान डिजाइन लाई हूँ, जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकता है। इसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन दिया है, ये हमारा बेस लाइन है। इसे हम डिजाइन में काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा बेस लाइन है। और रॉन्ग साइड से हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा बेस लाइन तैयार हो गया। अब तीसरे लाइन से हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और इसे हम फर्स्ट लाइन काउंट करेंगे। ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहला लाइन ये बेस लाइन है और यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है, तो दूसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। तीसरा लाइन हम अपने पहले कलर के ऊन से बुनेंगे और पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब दूसरे वाले फंदे में हम दो लाइन नीचे हम ऐसे स्लाइड डालेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे और फिर अपने पहले कलर के ऊन से इसे हम सीधा बुन लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लें, फिर तीसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, इस फंदे को हमें दो लाइन नीचे से बुनना है, तो ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये काले वाले पे हम आ गए और इसे हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे, तो ये देखिए दोनों धागे खुल गए। अब इसे हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया, अगला फंदा नॉर्मल सीधा। अब नेक्स्ट फंदे को हम दो लाइन नीचे आएंगे और तब इसे सीधा बुनेंगे। ये एक हुआ, ये दो हुआ, दो फंदा नीचे आएंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर दो लाइन नीचे आएंगे, एक और दो, और इस काले वाले, देखिए काले वाले फंदे के पास आ जाएंगे, इसमें सिलाई डालेंगे और इसे गिरा के और थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे, देखिए दोनों धागे खुल गए। अब इसे हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा नॉर्मली सीधा। अगले फंदे को हमें दो लाइन नीचे आके तब सीधा बुनना है, तो देखिए एक और दो नीचे आए,
इसे गिराया, थोड़ा सा ऐसे खींचा, फिर सीधा बुन लिया। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारा चौथा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और शेष फंदे सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से हर लाइन ऐसे ही बुनी जाएगी। पहला फंदा और आखिरी फंदा उल्टा रहेगा और बीच के सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। पहला फंदा और आखिरी फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और शेष सभी फंदा सीधा। तो ये हमने चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब पांचवे लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पांचवे लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदा सीधा और छठी लाइन में पहला और आखिरी फंदा उल्टा और बीच के सभी फंदे सीधे। अब सातवां लाइन हमारे अपने पहले कलर के ऊन से बुना जाएगा। अब कि हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और दो, और तीसरे वाले फंदे को हम दो लाइन नीचे आएंगे और तब सीधा बुनेंगे। यहाँ देखिए एक फंदा, ये दो फंदा, और दो फंदे के नीचे आएंगे, इस फंदे को गिराएंगे, थोड़ा सा ऐसा खींचेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया। अब अगला फंदा सीधा, तो दो फंदा को छोड़ के इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब अगला फंदा हम दो लाइन नीचे आएंगे और तब सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये एक फंदा, ये दो फंदा, दो एक लाइन, ये दूसरा लाइन, और दो लाइन हम नीचे आएंगे, इस फंदे को ऐसे गिराएंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, देखिए उसके बाद हम इसे सीधा बुनेंगे। अगला फंदा नॉर्मली सीधा। नेक्स्ट फंदे को हम दो लाइन नीचे आएंगे और तब सीधा बुनेंगे। ये एक, ये दो, और यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे, इसे गिराएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे और फिर इसे सीधा बुनेंगे। अगला फंदा नॉर्मली सीधा, एक फंदा, दो लाइन नीचे आके और तब सीधा, और अगला फंदा नॉर्मली सीधा, दो लाइन नीचे आएंगे तब सीधा बुनेंगे, और अगला फंदा नॉर्मली सीधा। रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा उल्टा और बीच के सभी फंदे सीधे। तो आपने देखा कि यहाँ पे डिजाइन बना था, तो अगली सीधी लाइन में देखिए यहाँ पे हम फंदा उधाड़े हैं, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे उधाड़ा गया था वहां पे हम इसको नॉर्मली सीधा बुने हैं। एक फंदा हमें सीधा बुनना है और एक फंदा दो लाइन नीचे आके सीधा बुनना है। तीसरी लाइन में जिस फंदे को हमने सीधा बुना था, सातवीं लाइन में उस फंदे के को हम दो लाइन नीचे आके तब सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दो लाइन नीचे आके सीधा बुना था, तो सातवीं लाइन में हमने इस फंदे को नॉर्मली सीधा बुना। तो इस तरह ये आठ लाइन का रिपीटेड पैटर्न है, और देखिए इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।